तो मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बहुत ही अमेजिंग नॉलेज। दोस्तों ऑर्गेनिक फूड दोस्तों बहुत वर्ल्ड में डिमांड है इसकी। दोस्तों हमारी 2 दिन की वर्कशॉप लगती है, दिल्ली में रेगुलर लगती है और दोस्तों देश के अलग अलग सिटीज़ में टाइम टू टाइम लगती रहती है। दोस्तों बहुत ही अमेजिंग वर्कशॉप। दोस्तों मैं आपको बताऊँगा ऑर्गेनिक फूड कैसे आप उसको एक्सपोर्ट करें। दोस्तों हमेशा याद रखें दोस्तों, ऑर्गेनिक फूड की जो प्राइस है नॉर्मल फूड से दोस्तों 3 to 4 times ज़्यादा होगा। दोस्तों जैसे एक केजी का कोई नॉर्मल फूड है, कोई भी फूड स्टफ है दोस्तों 100 rupees का है, तो ऑर्गेनिक वो 500 या 600 में दोस्तों बिकेगा। दोस्तों आप आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ऑर्गेनिक फूड कहाँ से आपको मिल सकता है। दोस्तों ऑर्गेनिक फूड के लिए जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, गाइडेंस भी है दोस्तों और मिल भी सकता है, वो है दोस्तों हमारा गाजियाबाद में। दोस्तों नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन गाजियाबाद, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन गाजियाबाद। दोस्तों ये लोग आपको बहुत हेल्प भी करते हैं, आप कैसे ऑर्गेनिक्स की ऑर्गेनिक जो फूड है उसकी आप उसकी फार्मिंग कैसे कर सकते हैं दोस्तों, ये प्रोवाइड भी करवाते हैं दोस्तों। और कई जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है दोस्तों, आसाम है, जो अरुणाचल प्रदेश है, इसमें ऑर्गेनिक जो फूड है काफ़ी ज़्यादा फार्मिंग होती है दोस्तों, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाकर दोस्तों एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों, आपका 100% आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा दोस्तों। प्राइस 5 to 6 times ज़्यादा मिलेंगे दोस्तों। हमारी वर्कशॉप अमेजिंग वर्कशॉप होता है दोस्तों, हम 2 दिन की वर्कशॉप करवाते हैं। पहले दिन हम इंडिया के रूल रेगुलेशन के बारे में बताते हैं, इंडिया में कैसे लाइसेंस लिए जाते हैं, कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, कैसे सैंपल भेजे जाते हैं, कुछ डिप्लोमेटिक तरीके बताते हैं जिससे आप बायर और सेलर ढूंढ सकें और ये पता लगा सकें ये बायर और सेलर असली है या डिफॉल्टर है। हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी आपको देते हैं दोस्तों, अपने लैपटॉप में लगाइए, सारे के सारे एक्सपोर्ट के स्टैटिस्टिक क्या हैं, कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, सारे लाइसेंस इंटरनेशनल नेशनल सारी चीज़ आपके उस सॉफ्टवेयर में होती है दोस्तों। सेकंड डे जो हमारा कॉन्टिनेंटल डे रहता है, जिस देश में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं उस देश के क्वालिटी स्टैंडर्ड रूल एंड रेगुलेशन क्या है, ये चीज बताई जाती है दोस्तों। कुछ साइंटिफिक तरीके बताए जाते हैं पैकेजिंग के, जिससे आपका सामान लंबे समय तक दोस्तों खराब नहीं होगा। दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप पोटैटो है, ऑनियन है, वीट है, अगर आप उसका एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट, 5 to 7 times ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। दोस्तों मैंने फार्मर से बात की, उन्होंने मुझे कहा कि जब भी हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो हमारी जो पैदावार होती है थोड़ी कम होती है। मान लीजिए आपकी फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर रहे हैं तो आपकी पैदावार है वो 100 quintal है, और ऑर्गेनिक का यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों उसकी जगह आपकी पैदावार 50 या 55 या 60 के करीब हो रही है, कम होती है, तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। दो बात, पहली बात, ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट में जो मुनाफा होता है ये 5 to 6 times होता है। सेकंड दोस्तों, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का जब भी यूज़ करेंगे तो आपका जो फर्टिलाइज़र का जो पेस्टिसाइड का जो कीटनाशक का खर्चा है वो कम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दो चीज़ से आपका मार्जिन बढ़ गया। आपका ये नहीं है कि आपका अगर आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे थे तो आपका 100 quintal और था, और ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हो फर्टिलाइज़र तो आपका 100 quintal उसमें पैदा हो रहा था, तो 60 quintal इसमें हो रहा है। लेकिन इसके दो बेनिफिट हैं, जो उस 100 quintal का जो आपका बीच का गैप है ना उससे भी आगे आपको मुनाफा देंगे। पहली बात, इसका जो प्राइस है यूरोप अमेरिका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा मिलता है, 5 to 6 times। सेकंड, आप जो पेस्टिसाइड केमिकल पेस्टिसाइड दोस्तों खरीदते हैं उसका खर्चा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक चीज़ें यूज कीजिए दोस्तों, आसाम है, अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स यूज़ हो रही हैं दोस्तों, उनका पैकेजिंग करिए, यूरोप अमेरिका में हम एक्सपोर्ट करिए दोस्तों, हमारे थ्रू एक्सपोर्ट कीजिए, हमारे से गाइडेंस में एक्सपोर्ट कीजिए दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत हो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है मुझसे कॉल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं उसका सोल्यूशन बताऊँगा दोस्तों। दोस्तों हम जो हैं, मेरा नाम डॉक्टर सुमिता दोस्तों, हम इंडिया के तो लाइसेंस बनवाते ही हैं, विदेशी लाइसेंस बनवाते हैं दोस्तों, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, इसमें भी लाइसेंस बहुत ज़रूरी होते हैं दोस्तों। जब भी आप ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं, कई कंट्रीज़ की बिल्कुल प्रोहिबिटेड है पेस्टिसाइड्स से बना फूड स्टफ जो है दोस्तों, कई देशों में पेस्टिसाइड यूज करके पैदा की गई जो है आपका फूड है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो बिल्कुल वर्जित है, प्रोहिबिटेड है दोस्तों। और अगर इंडिया से
वहाँ पे आप सप्लाई करेंगे दोस्तों आपका क्लियर नहीं होगा, ये बात याद रखें। सेकंड दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ हमेशा दोस्तों एक, मैं सेकंड दोस्तों आपको एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों सेकंड जो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप ऑर्गेनिक्स यूज़ करके फ्रूट और वेजिटेबल बनाते हैं दोस्तों तो वहाँ के लोग एक क्वालिटी सर्टिफिकेट मांगेंगे आपसे ऑर्गेनिक का, और मे बी ये हो सकता है कि वो आपके फार्म को विज़िट करें। लेकिन हमेशा दोस्तों ये याद रखना है इसमें मुनाफा इतना ज़्यादा है कि आप यू कांट बिलीव इट, आप उसको बिलीव नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनिक जो चीज़ है दोस्तों उसमें बाहर भी बहुत इजीली मिलते हैं, एक तरफ आपका रखा है फर्टिलाइजर से बनी चीज़ है और एक तरफ आपका ऑर्गेनिक रखा दोस्तों 100% आपको बाहर बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छा पैसा देंगे। तो आप ऑर्गेनिक फार्म कीजिए दोस्तों, मैंने आपको बताया इंडिया में ऑर्गेनिक फार्म के बारे में जो गवर्नमेंट्स के वो है नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन गाजियाबाद यूपी में। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिए और ऑर्गेनिक्स जो चीज़ें हैं उनका एक्सपोर्ट कीजिए। हम आपके लाइसेंस विदेशी लाइसेंस यूरोप के बनवाएंगे, यूएसए के बनवाएंगे, अमेरिका कनाडा के बनाएंगे, न्यूजीलैंड के बनाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के बनाएंगे, इंडिया के बनवाएंगे ही आपके हेल्प करेंगे दोस्तों। तो हमारे से जुड़िए, हमारे पुराने वीडियो जरूर देखिए, 190 कंट्री के बारे में बहुत ही अमेजिंग जानकारी दे रखी दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सअप के ग्रुप के थ्रू शेयर कीजिए दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत हो ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए दोस्तों, मैं उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।